बारिश के मौसम में स्किन में हमारी त्वचा में और हमारे स्कैल्प में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया है कि वो आमतौर से क्यों होता है। हवा में बहुत सारा मॉइस्चर होता है और बहुत ह्यूमिडिटी होती है जिससे हमारा पसीना आता है, बट एक कारण और भी होता है और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारा खाना। हमारी डाइट और उसमें हमें जो चेंजेस लाने की जरूरत होती है अपने मौसम के अनुसार। हेलो, मैं डॉक्टर अनिंदिता हूँ और आज मैं बारिश के मौसम के अनुकूल कुछ डाइटरी चेंजेस के बारे में बताऊंगी, जो अगर आप लाते हो तो ये ना तो ये सिर्फ आपकी जनरल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होगा, बट आपके स्किन में, त्वचा में, आपके स्कैल्प में भी बहुत फायदा करेगा। आमतौर पर देखा जाता है कि बारिशों के मौसम में हमारी जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है, तो इस समय ये बहुत फायदेमंद होता है कि हम बहुत हैवी या तला हुआ खाना अवॉइड करें, जबकि हमें मन करता है बहुत पकौड़ों खाने की और चाय के साथ, बट इसको थोड़ा सा अगर हम कम करें तो हमारे लिए बेटर है, बिकॉज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी स्लो हो जाती है और इसकी वजह से जो भी हम खाते हैं वो बॉडी में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं होती है। तो तला हुआ खाना कम खाएं, चीनी वाले खाना या भारी भरकम खाना, बहुत सारा मीट या नॉन वेज कम खाएं, और इसके बजाय हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड का सेवन करें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होती है? जो नेचुरली हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये किसमें पाई जाती है? जो बहुत रंगीन सब्जियां होती हैं जैसे शिमला मिर्च, लाल पीली या आम, इवन सीताफल, इन सब में जिसमें भी बहुत नेचर ने, प्रकृति ने जिसमें भी बहुत ज़्यादा रंग डाला होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इनमें बहुत विटामिन्स होते हैं और इनको खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरी चीज़ है प्रोबायोटिक्स, जैसे दही, छाछ, इनमें बहुत प्रोबायोटिक्स होती है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्टली, मतलब उस पर असर करके उसको ज़्यादा ताकतवर बनाती है, तो ये ज़रूर लें। और अब हम आते हैं उन चीज़ों पर जैसे सप्लीमेंट्स की हम बात करें। अगर आपका खाना पीना अच्छा है, आप एक संतुलित तरीके से खाना खाते हैं, काफ़ी पानी पीते हैं, तो हो सकता है आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना हो, पर किसी भी वजह से अगर आप ठीक से खा नहीं सकते हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डाइट्स पे हो, आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इन सप्लीमेंट्स को देख सकते हैं जिनमें ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रोबायोटिक्स है। न्यूट्रोवा एंटीऑक्सीडेंट एंड कोलेजन पाउडर, आईग्लो टैबलेट्स, हमारी GSH फोर्ट, वेलबींग विटामिन सी, कार्बोमाइड विटामिन सी एंड ब्यूटी वाइज विटामिन सी एंड कोलेजन, ये सारे सप्लीमेंट्स को आप देख सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशंस है। इसके अलावा भी क्लिनिकली पे और भी बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स अवेलेबल हैं और आप अपने डॉक्टर से बात करके एक सजेशन ले सकते हैं। आप उनको ट्राई कर सकते हैं, उनमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई शंका हो या आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो प्लीज़ क्लिनिकली पे हमारे डॉक्टर से 1-to-1 कंसल्टेशन करें और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें। मॉनसून में स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, स्कैल्प में आती हैं, और कुछ ऑलरेडी हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, और कुछ स्किन कंडीशंस ऐसे होती हैं जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, ये भी कई बार देखा जाता है कि मॉनसून में काफ़ी फैल जाते हैं या बढ़ जाता है, और इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को किसी भी और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है जो मॉनसून में आपको परेशान कर रहा है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और हम उसके बारे में वीडियो बना के तैयार करेंगे।